कि यहाँ पे ऐसे ही रोज गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं गोरखपुर में। ये सब चालान ठोक देना चाहिए जितनी गाड़ी रोड में खड़ी करते हैं। बस 9 सेकंड बचे हमें निकलने के लिए। सॉरी मैं किसी को कुछ मतलब गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो आज ट्रैफिक के विषय में दोस्तों बता रहा था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस कुछ दिनों से ना पूरे जबलपुर में इतना ट्रैफिक लग रहा है और शायद ही कोई बचा हो जो ट्रैफिक से परेशान न हो जबलपुर के। आप चाहे कोई भी चौराहा ले लो, कोई भी गली, कोई भी मोहल्ला, हर जगह आपको ट्रैफिक ही मिलेगा। गाइस ट्रैफिक की समस्या को तो मैं दूर नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि ट्रैफिक जबलपुर में लग क्यों रहा है और वो भी हर जगह। तो गाइस वीडियो देखिएगा एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। तो गाइस पहली प्रॉब्लम क्या है वो बताता हूँ, गाड़ी पार्क करने की सही जगह ना होना। दोस्तों ये देखिए बीच रोडों में गाड़ियां खड़ी है, ये देखो एक साइड का रास्ता तो वैसे ही बंद हो गया, लेफ्ट साइड का देखो ट्रैफिक देखो कितना हो गया है। रसल चौक है ये, 2 बजे का नजारा। पूरे जबलपुर शहर में दोस्तों कहीं भी चले जाओ आप, ऐसे ही रोड में गाड़ी खड़ी कहीं ना कहीं मिल जाएगी आपको। मतलब पूरी रोड पे ही गाड़ी खड़ी कर दी जाती है। तो पूरे जबलपुर में लोग परेशान है ट्रैफिक से। गाइस ये 3 पत्ती चौराहा है, देखो ट्रैफिक लगा है, पूरा लंबा जाम लगते जा रहा है। ये देखो बीच रोडों में गाड़ियां और कुछ लोग इतनी जल्दी में रहते हैं कि क्या बताऊं। दोस्तों अगर आप लोग पूरे शहर में घूमेंगे ना जबलपुर, आपको बीच रोडों में कहीं ना कहीं गाड़ी हर जगह मिल ही जाएगी। और लोग बीच सड़क में गाड़ी क्यों खड़ी कर देते हैं उसका कारण भी मैं बताऊंगा आपको। सिग्नल हो चुका है लेकिन जे भाई गाड़ी स्टार्ट करते रहे, अब रेड सिग्नल में निकले हैं, फिर रुक गए, मुझे भी रुकवा दिया। दोस्तों ऐसे लोगों के वजह से भी ट्रैफिक लगता है। अभी फिलहाल ज्योति टॉकीज में हूँ, ये भी देख लो कितना बना है। यहाँ की भी आधी रोड पार्किंग की चपेट में है, ये देखो ये लेफ्ट साइड में पूरी पार्किंग। ज्योति टॉकीज का नजारा है, पीछे मॉल बन रहा है, निकल गया। दोस्तों यहाँ पे भी देखिए रसल चौक में कैसे गाड़ियां बीच रोड में, ऑटो सब कोई को कुछ परवाह नहीं है। ये जबलपुर हॉस्पिटल के सामने देखिए लेफ्ट साइड, देखिए आधी पूरी रोड गाड़ियों से कवर है, जबकि बहुत चौड़ी रोड होती है। पूरी गाड़ियां तो देखिए कितनी सारी गाड़ियां खड़ी है, ये देखिए दोनों साइड देखिए, उस साइड भी आधी रोड तो कवर हो गई है गाड़ियों से। तो गाइस ऐसे में ट्रैफिक नहीं लगेगा तो क्या लगेगा। गाइस वीडियो में बने रहिएगा, आगे बहुत कुछ बताना बाकी है आप लोगों को। आज ट्रैफिक के विषय में जबलपुर की हर पब्लिक ट्रैफिक से परेशान है। मैं गाड़ी चलाता हूँ दोस्तों दिन भर, मैं खुद परेशान हूँ, पूरे हाथ पैरों की सत्यानाशी हो जाती है क्लच ब्रेक दबा दबा। ये चौथा पुल ये देखो पड़ा है, कोई चौथा पुल में देखिए दोस्तों कहाँ कहाँ क्या क्या गाड़ियां खड़ी है, देखो लेफ्ट साइड में ये कोई भी कहीं भी लगा दिया। तो गोरखपुर चलते हैं मार्केट और वहाँ का नजारा दिखाता हूँ मैं। देखना गाइस बीच रोड में पूरी गाड़ी खड़ी होगी जिससे कि बहुत ट्रैफिक लगता है। तो गाइस ये है देखो गोरखपुर, थोड़ी बहुत गाड़ियां तो खड़ी हैं बीच में रोड में, गोरखपुर का चौराहा है। यहाँ से देखिए शुरू कार्यक्रम, गाइस यहाँ से देखिए पूरी रोड ही नहीं दिख रही, पूरी रोड खाली सिंगल दिखना चाहिए। इन भाई साहब ने तो हद ही कर दी, ऑटो वाले ने बीच रोड में खड़े गाड़ी खड़ी करने का तरीका देख सकते हैं आप लोग। देखो अभी भीड़ भाड़ कम है तो भी गाड़ी गाड़ी ज्यादा दिख रही, पूरी में रस्ते भर गाड़ी गाड़ी, कारण यहाँ दोनों साइड कहीं किसी के पास पार्किंग है ही नहीं। गोरखपुर में गाइस ये श्री शिवम दिख रहा है आपको, इसी के पास पार्किंग है, इसी ने बनाया है पार्किंग। कटंगा चौराहा का हाल तो रात में इससे भी बुरा हो जाता है दोस्तों। वो देखो वो रोड में दिख रही, रोड ही में गाड़ी खड़ी है सिग्नल के पास, क्या कर सकते हैं। कटंगा चौराहा है ये पूरा, सिग्नल हो गया फिर भी लोग निकल रहे हैं। गाइस रोकी गए निकले ही नहीं पाए, ये आगे गाड़ी वाले ने रोक दिया। साइड का सिग्नल हुआ है फिर उस साइड का होगा फिर मेरा होगा, सिग्नल हो गया फिर भी देखे हमारा, फिर भी लोग निकल रहे हैं, यही तो सबसे बड़ी गलती है। चलो आ गए मेन रोड पर, भीड़ देखो रोडों में कितनी। देखा आपने कटंगा चौराहा का हाल, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओके ब्रेक लिया था ना वो खत्म हो गया, मैं आया था खाना खाने। गाइस यही है मेरा घर राइट साइड में और अब मैं जाऊंगा सीधे बंदरिया चौक होते हुए कटंगा, ये पड़ता है हाथीताल क्षेत्र जहाँ मेरा घर है। तो यहाँ से भी देखो बसें निकल रही है, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि फ्लाईओवर का काम चल रहा है। ये रोड सीधे निकल जाती है पीछे फ्लाईओवर जहाँ बन रहा है, मदन महल शारदा चौक और सीधे मेडिकल निकल जाती है। दोस्तों कुछ लोग इस रोड से भी आना जाना कर रहे हैं क्योंकि फ्लाईओवर की वजह से ना काफी ट्रैफिक लग रहा है मेडिकल वाली। तो ये हम मुड़ गए हैं बंदरिया चौक, ये बंदरिया चौक है और सीधे क्वारी घाट नर्मदा जी, लेकिन मैं लेफ्ट मुड़ जाऊंगा। बताओ ये रोड को भी नहीं छोड़े, इतनी बड़ी देखो गाड़ियां, देखो गाड़ियां कितनी सारी खड़ी, बाप रे गाड़ी 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 ही दिखती है पूरे जबलपुर शहर में। दोस्तों क्या जबलपुर में कार ज्यादा हो गई है या पब्लिक, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों प्लीज। और दोस्तों ट्रैफिक लगने का एक और कारण है, कुछ लोग क्या है इतनी बड़ी रोड में भी धीरे धीरे स्लो स्लो गाड़ी चलाते हैं, जैसे कि आगे देख सकते हैं आप कितनी धीरे धीरे और साइड भी नहीं दे रहे हैं पीछे वालों को, ऐसा ही होता है दोस्तों। यहाँ तो चलो ठीक है बड़ी रोड है लेकिन सिटी में भी ऐसे ही होता है, कई लोग बिल्कुल स्लो 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 गाड़ी चलाएंगे, पीछे वाले को जगह नहीं मिलती क्योंकि काफी लोगों से गाड़ी नहीं बनती है परफेक्ट। दोस्तों मुझे 25 साल हो गया ड्राइविंग करते हुए, ड्राइविंग का जॉब करते हुए नहीं लेकिन ड्राइविंग मैंने 25 साल पहले ही बहुत पहले छोटा सा जब से सीख लिया था चलाना कार, शौक था। चलिए दोस्तों कंटिन्यू रहिएगा, मिलते हैं थोड़ा भीड़भाड़ वाले इलाके में चलते हैं। तो मैं आज आप लोगों को जबलपुर का ट्रैफिक दिखा रहा था, अभी फिर मैं वापस से ज्योति टॉकीज आया हूँ। पानी चालू हो गया दोस्तों, पानी बहुत तेज गिरेगा, पूरे बादल काले हो गए, बाप रे। दोस्तों अभी पानी जरा सा तेज होने ही वाला है, आप देखना पूरी रोड खाली हो जाएगी क्योंकि कोई भी बारिश में भीगना नहीं चाहता। देखो दोस्तों जबलपुर हॉस्पिटल ये लौटते समय का नजारा है, देखो रोड के किनारे आधी तो रोड मतलब
एक गाड़ी निकलने की रोड तो कारों ने छेक लिया, खड़ी कर दी है। दोस्तों सबसे खतरनाक है ये वाला रास्ता, गाड़ियां देखो कितनी सारी खड़ी है यहाँ पे। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ ग्वारी घाट रोड में और वहाँ का नजारा मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। ट्रैफिक वाला पानी बस तेज ना गिरे, बंद हो जाए, क्योंकि दोस्तों पानी गिरा और समझ लो पब्लिक गायब, ट्रैफिक ही नहीं रहेगा तो मैं कहाँ से दिखाऊंगा आप लोगों को। दोस्तों बारिश शुरू भी हो गई और बहुत ज्यादा तेज पानी गिर रहा है, ये देखो दोस्तों कितनी तेज पानी है। गाइस इतनी तेज पानी गिर रहा था ना, बंद हो गया है। मैं आया था ग्वारी घाट किसी को छोड़ने, अभी लेने भी आऊंगा। गाइस अभी रोडें तो खाली हो गई थी लेकिन अब फिर पानी बंद हो गया, फिर भर जाए। ग्वारी घाट रोड में भी देखो दोस्तों गाड़ियां देखो रोडों में, कोई भी कहीं भी खड़ी कर देता है। गाइस ये चीजें क्यों होती है मैं आपको बताऊंगा, मुझे पता है ना क्यों ऐसे लोग बीच रोड में गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। ये देखो दोस्तों जबलपुर में ट्रैफिक लगने का एक कारण और है, मैं आपको बता रहा हूँ, सही तरीके से ड्राइविंग ना करना। रोडों में, दुकान के सामने, बीच रोड में कार पार्किंग करने से तो ट्रैफिक बढ़ता ही है और ट्रैफिक बढ़ता है, सही तरीके से ड्राइविंग ना करना। दोस्तों अभी जब मैं रामपुर से यहाँ ग्वारी घाट साइड आ रहा था ना, तो रामपुर चौराहा पूरा खाली पड़ा। अभी देखो थोड़ा बहुत भीड़ दिख रही है क्योंकि पानी बंद हो गया। दोस्तों पानी गिरा और जबलपुर में कार 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 ही कार नजर आई, क्योंकि दोस्तों बाइक वाले तो कहीं शरण ले लेते हैं ना, छुप जाते हैं कहीं पे। दोस्तों ये बंदरिया चौक का रेड सिग्नल है, खैर मेरी गाड़ी तो थोड़ा पीछे खड़ी है, बस 9 सेकंड बचे हमें निकलने के लिए। चलिए दोस्तों ग्रीन हो गया है, चलते हैं आगे। दोस्तों जबलपुर में काफी चौराहों में सिग्नल लगे, काफी चौराहों में नहीं लगे, लेकिन कई चौराहों में ना निकलने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, रुकने के लिए तो ज्यादा मिलेगा, निकलने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। पब्लिक इतनी है ना, फिर से रेड हो जाता है। होता यह है कि फिर दोनों सिग्नल चालू हो जाते हैं, ट्रैफिक लगता है, पानी फिर गिर रहा थोड़ा थोड़ा। दोस्तों सुबह निकली थी बहुत तेज धूप, वैसे कटंगा का रेड सिग्नल फिर आ गए हैं, लेकिन हम लेफ्ट से निकल लेते हैं। डर ही लगने लगा भीड़ भाड़ से, मुझे सही बता रहा दोस्तों। दोस्तों जबलपुर में ट्रैफिक लगने का एक और बहुत बड़ा कारण है, बीच रोडों में गाड़ी खड़ी करने से तो लगता ही है ट्रैफिक, लेकिन दोस्तों उससे भी बड़ा रीजन ये है कि पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता ना। ये सब चालान ठोक देना चाहिए, जितनी गाड़ी रोड में खड़ी करते हैं चालान कटना चाहिए चालान। इस रोड में भी ट्रैफिक लग जाता है क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही रोज गाड़ियां खड़ी रहती है गोरखपुर में। सॉरी मैं किसी को कुछ मतलब गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो आज ट्रैफिक के विषय में दोस्तों बता रहा था, गाड़ियां लोग रोड में बीच में खड़ी कर देते हैं। मैं ये बोला थोड़ा साइड में भी लगा सकता है इंसान, कई जगह रहती, मैं भी एक ड्राइवर हूँ, कभी आज तक किसी की दुकान के सामने गाड़ी नहीं खड़ी करा, या तो फिर ड्राइवर रखी है कार है तो। नागपुर में दोस्तों मैं बताऊं आप लोगों को, अगर आपने सिग्नल तोड़ दिया है बहुत लंबा चौड़ा फाइन लगता है। आप जबलपुर में कई लोग सिग्नल तोड़ देते हैं, फाइन हो सकता है बच जाए, नागपुर में नहीं बच सकते, पुलिस पीछे लग जाती है बाइक उठा के। वहाँ का कानून ट्रैफिक के मामले में नागपुर का एक नंबर, वहाँ तो छोटी छोटी गलियों में रेड सिग्नल लगे, लाल लाइट येलो लाइट, ट्रैफिक रूल नागपुर में बहुत ज्यादा मायने रखता है। यहाँ पे तो भैया स्कूटी हो बाइक है, देखो ये रोड में देखो बाइक क्या खड़ी कर रहा है, सीधी भी रख सकता था, तेहड़ी लगा रहा है पता है ऐसी लंबी। और तो जबलपुर में पार्किंग भी बहुत कम है, कभी कभी दोस्तों मैं भी अगर गाड़ी खड़ी करता हूँ तो जितनी साइड में हो सके उतनी साइड में करके खड़ी करता हूँ, और ध्यान देता रहता हूँ बार बार कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन काफी लोग ऐसे हैं दोस्तों कि गाड़ी खड़ी करते हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरी होती है। चौथा पुल, ये देखो चौथा पुल को भी नहीं छोड़े भाई, वो देखो वो चौथा पुल के नीचे भी गाड़ी पार्क कर दी गई है। दोस्तों आप इसको क्या कहोगे, पार्किंग है, चौथा पुल के नीचे गाड़ी खड़ी करना चाहिए। दोस्तों ये सिंगल रोड है, देख सकते हो आप लोग, दो गाड़ी बड़ी मुश्किल से क्रॉस होती है, यहाँ पे देखो आजू बाजू दोनों जन ने गाड़ियां खड़ी कर दी है। ये देखो कितने प्यार से, थोड़ा आगे पीछे हो सकती रही, और ये देखो भाई साहब पैदल ऐसे चल रहे रोड में, हॉर्न भी नहीं सुन रहे। तो दोस्तों कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी आती है, देखा होगा आपने ना, समझना चाहिए लोगों को भी कि नहीं भाई आगे ट्रैफिक लगेगा, हम ऐसा काम नहीं करें। इस रोड में भी कई बार ट्रैफिक लग चुका है। तो दोस्तों चलिए यही था आज का मेरा ब्लॉग वीडियो, कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहता था, कुछ सीखना चाहता था आप लोगों से। चलिए कमेंट करके बताइएगा क्या मैं सही था या फिर गलत। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और जय दीदी। दीदी हट जाओ दीदी।